हेलो निशान रवि रवि गाड़ी दे दो गाड़ी को मार यार अपने हो गुस्सा तो ना करो प्लीज क्या बात है बिग हैंड शाहरुख खान सर बिग हैंड और शाहरुख सर फिल्म के बारे में पूछना चाहूंगा जो एक रिंग गुम हुई थी फिल्म में छोटे छोटे ट्रेलर आपने लॉन्च किए बहुत अच्छी बात है तो रिंग किसने गुम की थी और फिर मिली कि नहीं मिली वो तो फिल्म देखेंगे तो समझ आएगा अच्छा लेकिन हाँ कहानी वहीं से शुरू होती है जैसा ट्रेलर्स में ओके कि एक लड़की है जो जिनकी एंगेजमेंट हो गई है शादी हो रही है जी और उनकी एंगेजमेंट की रिंग गुम जाती है एंड एक्चुअली बिगनिंग फिल्म की बिल्कुल वहीं से होती जी और फिर उस रिंग को ढूंढने में जो सिलसिला होता है जी जो प्यार होता है और वो कहाँ जाके खत्म होता है अच्छाई में होता है या दुख में होता है ये फिल्म में मालूम पड़ेगा वेरी गुड सर और सर वही आ रहे क्वेश्चन तो आ रहे होने पर सो मैं I am inviting you कि तुसी जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो सबको पूछ सकते हैं सर प्लीज शुक्रिया जी हाँ जी हाँ जी एक मैं एक माइक भेज सकते हैं उधर हाँ इट इज अ माइक हाँ सर शरद साहब वर्किंग विद इम्तियाज अली योर एक्सपीरियंस प्लीज वर्किंग विद इम्तियाज योर एक्सपीरियंस प्लीज यू नो इम्तियाज इज अ वेरी इंटरेस्टिंग राइटर ऑफ फिल्म उनकी जो कहानियां होती हैं जो उनकी फिल्में होती हैं थोड़ी सी हटके लव स्टोरीज होती हैं और वो अमूमन ऐसी फिल्में बनाते हैं जो सिर्फ ऑब्स्टिकल ऐसा नहीं अमीरी गरीबी का या ऊंच नीच का ऑब्स्टिकल नहीं होता उसमें कैरेक्टर्स के बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं जिसको ओवरकम करना पड़ता है लव स्टोरी में तो बहुत शरीफ आदमी है और एक्चुअली पंजाब से उनका बहुत लगाव है हर फिल्म में कुछ ना कुछ पंजाबियत रहती है शायद उन्होंने यहाँ पे कुछ वक्त गुजारा है या जान पहचान है लोगों से बहुत दोस्त हैं उनके हम जब गाने कर भी रहे थे तो बहुत सारे दोस्त उनके सबसे गानों में हिस्सा लेने के लिए आए तो बहुत बहुत ही शरीफ इंसान है बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं बहुत सॉफ्ट स्पोकन है बहुत जेंटल है तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके आपका तो मुझे आपसे बड़ा प्यार है याशी ने आपको पंजाब में ला इंट्रोड्यूस कराया हाँ जी वीर ज़ारा में आपने तो कमाल कर दी अब आप कब कमाल करेंगे दोबारा फिर ऐसे वीर ज़ारा जैसे अभी ये इतना जितना वीर ज़ारा शूट किया था उतना नहीं किया है यहाँ पे कुछ 7-8 दिन ही शूट किया ये बटरफ्लाई गाना और दो चार सीन है मेरा मतलब टचिंग की बात करो यहाँ लव टच वाली बात हुई थी जैसे वीर ज़ारा जैसा बनाया था वीर ज़ारा जो तो बना ली ना फिर क्यों बनाऊं अब दोबारा नहीं बनाई
फिर से बनाओ सेम पिक्चर, ये दूसरी देखो ना। शाहरुख जी, शाहरुख जी, अमरनाथ यात्रियों पर हम इधर इधर सर सामने, अमरनाथ यात्रियों पर हमला हुआ है, एक तो उसके बारे में आपका रिएक्शन क्या है, दूसरा बीफ को लेकर नागपुर में भी पिटाई हुई है, इस तरह के कई इंसिडेंट इंडिया में हो रहे हैं। मैं इन सारी बहुत सारी बातों पे बात नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ जो यात्रियों पे हमला हुआ बहुत ही यार कंडेमेबल है, बहुत ही खराब है, बहुत दुखदाई है। और मैंने ट्वीट भी किया था कि मुझे मालूम पड़ा, टीवी में देखा था मैंने, आप लोगों के जरिए से सुना था कि जो यात्रा है वो कंटिन्यू करने के लिए, और बहुत सारे जवान लड़के लड़कियां खड़े थे, माँ बाप थे, बुजुर्ग लोग थे, और सबके सब, मैं वही बात मैंने की कि जब फेथ होता है उससे ब्रेवरी आती है, और ये जो ब्रेवरी करे जाता है, हमारा भगवान में जो विश्वास है, गॉड में जो विश्वास है, जो हमारे रिलीजन्स पे विश्वास है, जो फेथ उससे आता है, उसके सामने किसी प्रकार का भी टेररिज्म या बुराई जो है टिक नहीं सकती, वो बहुत हमें हाउ डू यू से मेक्स अस वेरी करेजियस। खान साहब, जिस तरह आपने सलमान के साथ अपना जादूगर का रोल अदा किया था, क्या आप अपनी फिल्म में लेंगे उनको दोबारा, आप भी लेंगे क्या उनको? हाँ, वो है हमारी फिल्म में, आनंद राय की फिल्म में उन्होंने गेस्ट अपीयरेंस किया है, बट एज सलमान खान। मैं जब शुरुआत की थी ना सदा जी, तुम्हारा नाम की हरजोत जी, मैं जब शुरुआत की थी तो मुझे, मैं दिल्ली का हूँ, थिएटर से था, तो मुझे इतना संगीत वगैरह समझ नहीं आता था, मुझे ऐसे लगता था मेरी फिल्मों में गाने का क्या जरूरत है, थोड़ा मेरा माइंड सेट ऐसा था। फिर ऐसे 10-12 साल निकल गए तो मुझे मालूम पड़ा मेरा करियर ही गानों से बना हुआ, सारे गाने जो मुझ पर दर्शाए जाते हैं रोमांटिक जो डांस वाले होते हैं बड़े खूबसूरत होते हैं, तो मुझे समझ में भी आया कि हमारे में एक्चुअली संगीत का बहुत महत्व है, जैसे पंजाब में है, एक्चुअली कोने कोने में है, हर एक प्रांत का अपना अपना एक संगीत है, तो उससे बड़ा इंपॉर्टेंस मैं परसों ही इम्तियाज से बोल रहा था कि हमारी फिल्मों में कभी भी ऐसा मुकाम नहीं आएगा जब गाने नहीं होंगे, क्योंकि हमारे हर घर में कोई ना कोई संगीतकार गीतकार होता ही है, बसा हुआ है, कभी आंटी है, कोई मासी है, कोई बेटा है, सबके सब गाना गाते हैं हमारे देश के अंदर, एंड वी लव टू सिंग एंड हैव म्यूजिक इन अवर ब्लड, so in this film we have lots of songs, lots of background, and Imtiaz is very good, Pritam Da jinhone kiya hai, Shahid Kamik, so there's lot of beautiful music in this film like my other films also. abhi to ek to 4 saal ka hai, wo chal nahi sak raha theek tarah, abhi kya launch hoga, mere bete jo pad rahe hain abhi college khatam karenge, uske baad jaisa unke dil mein aayega karenge, wo film making seekh rahe hain aur beti bhi pad rahi hai, so ट्रैक्टर चला रहे हैं फिल्म में, तो ट्रैक्टर का मजा किस तरह लिया जी आपने? यार बड़ा डिफिकल्ट होता है यार, कहाँ आप? हाँ जी सामने, हाँ तो बड़ा डिफिकल्ट होता है वो यार, ऐसा हिलता बहुत है। शाहरुख जी, डिफिकल्ट था मेरे लिए, लेकिन मैंने वीर ज़ारा में भी चलाया हुआ है, तो मुझे तब लगा था कि शायद वो ट्रैक्टर पुराना था तो इसलिए हिल रहा था, बट ये वाला नया था इस फिल्म में, फिर भी हिल रहा था, थोड़ी तकलीफ होती है मोड़ने मोड़ने के अंदर। शाहरुख जी, आपकी हर फिल्म में पंजाबी और पंजाबियत को जरूर दिखाया जाता है, कोई खास वजह पंजाब से आपका प्यार? मेरी वाइफ पंजाबी ना, डांटती अगर नहीं डालू तो सर मैं, क्या बात, तो मैं उनको खुश करने के लिए डालता रहता हूँ। हेलो शाहरुख जी, जो ये पिक्चर है इसमें थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूंगा भाई, इसमें स्पेशल क्या है पिक्चर में, जैसे कुछ कुछ पिक्चर्स होती है उसमें कुछ ना कुछ मैसेज होता है पब्लिक को, तो इस फिल्म के अंदर भी आपने कुछ मैसेज पब्लिक के लिए डाला है, उसके बारे में बताइए कुछ। मैसेज वाली फिल्म अलग होती है यार, मुझे लगता है प्यार से बड़ा मैसेज और क्या है, और आजकल की जो पीढ़ी है, हम जो लोग हैं, मेरे खुद के बच्चे हैं जो बड़े हैं, टीनेजर्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हम दो बातों का महत्व उन्हें समझा सकें कि अपनी जिंदगी अपने तौर तरीके से जियो, लेकिन अपने कल्चर, अपने देश की जो सीख है या जो हमारी पढ़ाई है, जो हमारा क्लासिकल कल्चर है, उसको ना भूलो। सो समवेयर उस फिल्म के अंदर ये बात आती है, लेकिन ये कोई मैसेज वाली फिल्म नहीं है, जिस जैसे चक द इंडिया है या स्वदेश है, उस टाइप की पिक्चर नहीं है, लव स्टोरी है, तो मैसेज यही है कि प्यार करो यार, और जब प्यार हो जाए तो उसको पकड़ के रखो। सर किस तरह की लव स्टोरी है, लव स्टोरी पर फिल्में तो बहुत बनी है, किस तरह की, इसमें कोई खास क्या है? इसमें यही है, लड़के और लड़की की है। कौन सी स्पेशल लगी थी लव स्टोरी लास्ट आपको, लास्ट लव स्टोरी आप बताओ कौन सी अच्छी लगी थी आपको? हाँ, तो ऐसा लड़का मिलता है लड़की से, फिर दोनों का थोड़ा तकरार होता है, फिर इकरार होता है, फिर प्यार होता है, और उसके बाद जो होता है लव स्टोरी में तो वही होगा जो होगा। अच्छा ऐसा पूछ रहे हो, नहीं ऑब्वियसली दो प्रांतों की कहानी है तो कल्चर अलग है, लड़का जो है बाहर रहता है, लड़की जो है थोड़ी सी ऐसे घराने से हैं जो
how do I say it, thode se strict nahin, but she is from a household jahan pe traditions follow karte hain. Aur